कोरोना काल ने बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी छीन ली। उन्हीं में से एक हैं मांडू के डेलाल महतो। नौकरी छूटने के बाद डेगलाल ने मछली, मुर्गा और बतख पालन को आजीविका का साधन बनाया और आज उनका ये व्यवसाय लाखों का व्यवसाय बन गया है और जिला प्रशासन भी अब उनके सहयोग में खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां सैकड़ों बतख पानी में तैर रहे, वही तालाब में कई क्विंटल मछलियाँ भी तैर रही है। तालाब और बतख डेगलाल महतो के, जिसकी नौकरी कोरोना काल में छूट गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और थोड़ी पूंजी से ये व्यवसाय कर डाला। पहले गाड़ी चलाते थे, ट्रक चलाते थे, तो उसके बाद लॉकडाउन होने के बाद ट्रक बंद हो गया, गाड़ी सब चलना बंद हो गया। उसके बाद बतख और मुर्गी रखने लगे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद कुछ पैसा वैसा हुआ तो तालाब भी कोड़ा है, तालाब उलाब कोड़ा है। उसके बाद बहुत मदद मांगे, लोन उन लेने के चक्कर में बैंक का चक्कर बहुत काटे, उसके बाद भी लोन उन नहीं मिला हमको। अगर ऐसा मिलता लोन उन तो और दो चार आदमी को रोजगार भी देते और डेवलप कुछ अपना रोजी रोटी चलने लगता। तो यही कमाने वाला था और अभी तो गाड़ी घोड़ा चलाता था, पेट रोजी चलता था। और गाड़ी घोड़ा जब बंद कर दिया तो यहाँ हम लोग खोल दिए, मुर्गी फार्म खोले हैं और उसी से कमा उमा का ये पोखर कोड़े। डेगलाल का व्यवसाय दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। पहले बैंकों ने उसे लोन देने से मना कर दिया था, लेकिन आज जिला प्रशासन को भी उसके काम पर गर्व है और उसे मदद करना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का कार्यक्रम जो है चलाया जा रहा है, इसमें काफी लोगों को हम लोग जो है इस योजना के तहत लाभ दिए है और आपके द्वारा इसमें संज्ञान दिया गया, तो निश्चित अभी मैं जिला कल्याण पदाधिकारी को मैं निर्देशित कर रहा हूँ, अविलंब जो है सो उनका आवेदन जो है सो प्राप्त कर और हम लोग बैठक कर उसको जो है सो इस योजना का हम लोग निश्चित रूप से लाभ देंगे दिलाएंगे, ताकि वो आर्थिक रूप से और भी मजबूत हो सके। यदि हिम्मत और मेहनत करो तो कुछ भी संभव है। डेगलाल ने कुछ ऐसा ही कर डाला जिसे फिलहाल प्रोत्साहित करने की जरूरत है। न्यूज 11 भारत के लिए रामगढ़ के मांडू से खालिद अनवर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।